मथुरा में ईद उल जुहा का आपसी प्रेम एवं भाईचारे के साथ मनाया गया और जिले के शहर गांव और कस्बों में ईद की नमाज कोविड गाइडलाइन और शासन की मंशा के अनुसार मस्जिदों में नमाज अदा की गई और घर घर में कुर्बानियां हो रही है। यहां मुख्य रूप से कोसी, छाता, फरह, ऑल राया, सदर बाजार सहित अन्य मस्जिदों सौंदर्य के साथ लोगों ने बकरीद की नमाज अदा की है। बकरीद की नमाज अदा करने के बाद लोगों ने घरों में सेवई और मिठाई खाकर पर्व मनाया। आपको बता दें कि ईद के दिन 3 दिनों तक जारी रहने वाले पैगंबर इब्राहिम की परंपरा का पालन करते हुए मुसलमान जानवरी हुई कुर्बानी होती है। कुर्बानी का उद्देश्य न केवल परंपरा के अनुसार एक जानवर की बलि देना बल्कि अपने आप को दान के कार्यों के लिए समर्पित करना है। जिले में प्रशासन द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह व SSP शैलेश पांडे नमाज के दौरान भ्रमण कर मुस्लिम भाइयों को ईद की शुभकामनाएं दी। SSP शैलेश पांडे ने बताया कि आज ईद उल जुहा की नमाज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। समस्त जनपद वासियों को ईद उल अजहा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये बलिदान का पर्व है और समाज के हर वर्ग को अपने साथ ले चलने का, मेलजोल भाईचारे का पर्व है। इसलिए पुनः सभी जनपदवासियों को इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जहाँ तक व्यवस्थाओं का प्रबंध है, प्रॉपर सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये पूरे त्यौहार को, नमाज को और उसके बाद जो कुर्बानी होती है उसको संपन्न कराया जा रहा है। सेक्टर स्कीम लागू कर दी गई है पूरे जनपद में और हमारी पुलिस और मजिस्ट्रेट साहबान डिप्लॉयड हैं। साथ ही साथ यातायात की भी सुचारू व्यवस्था रहे, इसके लिए भी विभिन्न इम्पॉर्टेंट जो हमारे लोकेशंस हैं, जो हमारे प्रेशर पॉइंट्स हैं, वहाँ पे ट्रैफिक की व्यापक व्यवस्था की गई है। समस्त हमारे सम्मानित पीस कमेटी के मेंबर्स, चाहे वो सेंट्रल पीस कमेटी हो या थाने की पीस कमेटी हो, हमारे सम्राट साथीगण हो, SDM हो, सबके साथ पूर्व में बैठकें हो चुकी हैं विभिन्न स्तरों पर और आज भी सभी को साथ में लेते हुए, सभी का सहयोग लेते हुए इस त्यौहार को सकुशल संपन्न कराया जा रहा है। तो बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा, बहुत बहुत बधाई दूंगा। जैसा हम सभी जानते हैं कि ईद उल अजहा बेसिकली त्याग का और कुर्बानी का पर्व है और न केवल अपने बारे में सोचने का पर्व है बल्कि समाज के बारे में, समाज के गरीब तबके के बारे में, अपने उन परिवारिक जनों के बारे में जो गरीब लोग हैं, जो अपने से कुर्बानी नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए भी व्यवस्था करने की इसमें बात कही गई है। तो ये ऐसा अवसर है जब एक दूसरे से मिलने जुलने का और भाईचारे का अवसर है। मैं इस अवसर पर सभी जनपदवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद, तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। जहाँ तक व्यवस्थाओं की बात है, हम लोगों ने लगभग 15-20 दिन पहले पीस कमेटी की, सेंट्रल पीस कमेटी की बैठक की थी। उसके अलावा थानावार, चौकीवार बैठकें की गई और विभागवार समीक्षा की गई और सारी व्यवस्थाओं को हम लोगों ने अप टू द मार्क बनाने की पूरी कोशिश की है और आज पूरे जनपद में लगभग ईद की नमाज अदा की जा चुकी है और सभी जगह